ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात माता भगवती हमारा हर प्रकार से कल्याण करने वाली हो, माता रानी की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, माता भगवती के आशीर्वाद से हमारे सारे कार्य बनते रहें। प्रिय बंधुजनों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो दुकान में ग्राहकों को लाने के लिए बेहद कारगर होती हैं। अगर आप आज के इस एपिसोड पर आए हैं तो आपका एक ही उद्देश्य है कि आपकी दुकान में ग्राहक कैसे आए। अगर आप आज के इस वीडियो पर आए हैं तो आपका एक ही लक्ष्य है कि इस वीडियो से आपको कुछ ऐसी जानकारी हासिल हो जिसको करने से आपकी दुकान में लगातार कस्टमर आए, आपकी दुकान में कभी भी काम की कमी ना हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप आज के इस एपिसोड को पूरा देख लेते हैं तो आपको आज के इस एपिसोड में से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। अगर आप आज के इस एपिसोड को बिना स्किप किए पूर्ण देख लेते हैं और जो बातें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उन बातों को, उन कार्यों को अपनी दुकान में कर लेते हैं तो विश्वास रखिए भगवती माता की कृपा, लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर बहुत जल्द होगी। मैं एक बार फिर आपसे विनती करना चाहता हूं कि आज के इस एपिसोड को आपने स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, तभी आपको इन उपायों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त होगी। साथियों, चलिए अब मैं आपको उपायों के बारे में बताता हूं। मेरे प्यारे दर्शकों, हमारी लगातार कोशिश रहती है कि जो भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पास भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, हमारी दुकान का काम नहीं चलता, हमारा व्यापार लगभग ठप हो चुका है, हम क्या करें जिससे हमारा व्यापार फिर से चलने लग जाए। और हमारी कोशिश रहती है कि आप भक्तों को ऐसे उपाय बताए जाएं जो बहुत कम समय में आपको परिणाम दे सकें। प्रिय साथियों, आज मैं आपको दुकान से जुड़े हुए चार ऐसे उपाय बताने वाला हूं। अगर आप इन काम को अपनी दुकान में कर लेते हैं तो विश्वास रखिए कि माता रानी की कृपा से आपकी दुकान में कभी भी ग्राहकों की कमी नहीं होगी। साथियों, आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय सिद्ध उपाय हैं और इन उपायों का रिजल्ट बहुत जल्दी आपको मिल सकता है। अगर आपने सच्चे भाव से, सच्चे मन से इन उपायों को कर लिया तो आपकी दुकान में बहुत ही जल्द ग्राहक आना प्रारंभ हो जाएंगे, आपकी दुकान का काम बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। अगर आप व्यापार करते हैं, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। साथियों, क्या है उपाय? उपायों के बारे में अगर बात करते हैं तो उससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फिर एक बार विनती करता हूं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि उपाय तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन उपायों के साथ अन्य जो जानकारी मैं देने वाला हूं, अगर आप उस जानकारी को सुनेंगे तभी उपाय आपके लिए कार्य करेंगे। तो इसलिए उपाय और उपायों के साथ जो निर्देश मैं आपको दूंगा, आपने उनको भी फॉलो करना है। प्रिय साथियों, आज का यह एपिसोड स्पेशल उन लोगों के लिए है, उन भक्तों के लिए है जिनकी दुकान का कार्य पिछले समय से अटका पड़ा है या जिनका व्यापार नहीं चल रहा है। वीडियो 12 या 14 मिनट का लंबा हो सकता है, लेकिन पूर्ण विश्वास रखिए कि अगर आप आज का यह एपिसोड देख लेते हैं तो आपकी दुकान का काम भगवती की कृपा से, माता की कृपा से जरूर दौड़ेगा। साथियों, आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय बहुत ही दिव्य उपाय है और पहले भी कई हमारे भक्तों ने इन उपायों को किया है और इन उपायों से उन्हें बहुत जल्दी परिणाम की प्राप्ति हुई है। तो चलिए अब आप सभी भक्तों का ज्यादा समय न लेते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उससे पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके लक्ष्मी माता का ध्यान करेंगे।
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। प्यारे दर्शकों, मैं पंडित नीति शास्त्री अब आपको बताने वाला हूं चार दिव्य चमत्कारी उपाय दुकान में ग्राहकों को लाने के। साथियों, अगर आप परेशान हैं, अगर आप बहुत समय से चिंतित हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा, कई हमारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, हमने दुकान किराए पर ली हुई है, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि दुकान में इतनी भी कमाई नहीं हो पाती कि दुकान का किराया ही दिया जा सके। तो हम आप सभी भक्तों की मदद करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं खास और दिव्य उपाय। तो चलिए अब सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। साथियों, अगर आपकी दुकान का काम नहीं चल रहा है या किसी भी तरह से आपके व्यापार में कोई दिक्कत है, तो आपने एक चांदी की बारीक तार लेनी है। कम से कम 3 इंच की एक तार लेनी है। 3 इंच की चांदी की तार आपने लेनी है। बारीक तार ले सकते हैं आप बिल्कुल। और उस तार को आपने, जो आपकी दुकान का एंट्रेंस है, जहां से आप अपनी दुकान में प्रवेश करते हो, उस द्वार पर, उस दरवाजे पर जो देहली होती है, देहली पर आपने उस तार को दबाना है। कैसे दबाएंगे? वहां पर आप किसी मिस्त्री को भी बुला सकते हो। उस मिस्त्री को बुला करके वहां से आप थोड़ी थोड़ी सी जो है फर्श को थोड़ा सा उखड़वा करके वहां पर उस तार को दबा दें, और उसके बाद मिस्त्री से उस जगह को प्लेन करवा दें, सीमेंट से अच्छी तरह उस जगह को ढक दें। यह कार्य आपने करना है। बारीक चांदी की तार जो कि 3 इंच की होनी चाहिए, वह आपने एंट्री पॉइंट पर दबा देनी है। ऐसा करने से क्या होगा? इस कार्य के करने से अगर आपकी दुकान में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है, किसी भी तरह का कोई दोष अगर आपकी दुकान में बन रहा है या आपके व्यापार स्थान में बन रहा है, या फिर अन्य बाहरी कोई बुरी शक्ति है जिसके कारण आपकी दुकान का काम नहीं चल पा रहा है, तो इस काम के करने से बहुत जल्द आपकी दुकान का सारा दोष दूर होगा। अगर आपकी दुकान पर किसी तरह का कोई बाहरी दोष है, वह भी समाप्त होगा और बहुत जल्द आपका व्यापार चलने लगेगा। बहुत जल्द आपकी दुकानदारी अच्छी होने लगेगी। पूर्ण श्रद्धा भाव से इस उपाय को आप जरूर कर लें। अब कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि चांदी की जो तार दबानी है वह किस दिन दबाएं? तो वह तार आपने जो शुक्ल पक्ष का सोमवार होता है उस दिन दबानी है। जी हाँ, जिस समय चांदन लगा हुआ हो उस समय सोमवार के दिन सुबह के समय वह तार आपने दबानी है। ये था पहला उपाय। अब बात करते हैं उपाय नंबर 2 के बारे में। तो उपाय नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान का काम अच्छा रहे, कभी भी आपकी दुकान में धन की कमी ना हो, तो ये उपाय आपको करना ही चाहिए। उपाय क्या है? आपने एक पीले रंग का रुमाल लेना है। उस पीले रंग के रुमाल में आपने 7 हल्दी की गांठ, साबुत होनी चाहिए, साबुत 7 हल्दी की गांठ, 7 जनेऊ या जिन्हें यज्ञोपवीत भी बोलते हैं, 7 लगन मंडप वाली सुपारी और 7 गुड़ की डली, छोटी छोटी डली होनी चाहिए, गुड़ की 7 डली और 7 पीले फूल, ये सब सामान रख करके उस रूमाल को आपने अच्छी तरह से गांठ मार करके जहां पर आपकी दुकान का पूजा स्थान है या फिर अपनी दुकान के गुल्लक में भी आप उस रूमाल को रख सकते हैं।
ऐसा करने से बहुत ही जल्द आपकी दुकान में लक्ष्मी माता की कृपा होने लगेगी, बहुत जल्द आपको कुल देवी का आशीर्वाद प्राप्त होने लगेगा, आपके व्यापार से आपकी दुकान से कभी भी किसी तरह का कोई धन संकट नहीं होगा। ये था दिव्य उपाय नंबर दो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिव्य उपाय नंबर तीन के बारे में। तो उपाय नंबर तीन कुछ इस प्रकार है, आपको अपनी दुकान के गुल्लक में असली चांदी से बना हुआ श्री यंत्र जरूर रखना है। जी हाँ, शुद्ध और असली चांदी का बना हुआ श्री यंत्र अगर अपनी दुकान के गुल्लक में आप रखते हैं तो ऐसा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और जो भी आपके कुल देवता हैं वो भी प्रसन्न होते हैं, आपकी दुकान का वास्तु देवता प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्द आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा होने लगती है, आपकी दुकान में ग्राहक आना प्रारंभ होंगे। ये कार्य आपने जरूर करना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट नंबर चार, साथियों अब जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूं, वैसे तो यह उपाय बेहद सरल है, लेकिन कोई भी उपाय मैं आपको हर बार बताता हूं, कोई भी उपाय हो, चाहे उपाय छोटा हो चाहे उपाय बड़ा हो, चाहे उपाय सरल हो चाहे उपाय कठिन हो, कोई भी उपाय आपके लिए तभी काम करेगा अगर उपाय करते समय आपके मन में श्रद्धा होगी। तो यह उपाय है कि आपने अपनी दुकान में लक्ष्मी माता का खड़े स्वरूप में चित्र लगाना है। जी हाँ, जिस फोटो में लक्ष्मी माता खड़े हुए स्वरूप में हो वह चित्र आपने अपनी दुकान या व्यापार स्थान में जरूर लगाना है। ऐसा करने से लक्ष्मी माता आपकी दुकान में आती हैं, आपकी दुकान में धन की बरकत होती है, आपकी दुकान में वैभव होने लगता है और हर प्रकार से लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर होने लगती है। तो माता लक्ष्मी का खड़े स्वरूप का जो चित्र है वह अपनी दुकान में आपने जरूर लगाना है। तो यह था उपाय नंबर चार। तो इस प्रकार से यह मैंने आपको बताए चार दिव्य उपाय, लेकिन अब मैं आपको एक उपाय और बताने वाला हूं। जी हां, जिन भक्तों के यह प्रश्न होते हैं कि कभी हमारा काम चलता है, किसी किसी दिन बिल्कुल भी नहीं चलता, या कभी कभी हमारा काम बहुत अच्छा चलता है और कई कई दिन तक हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलता, विशेष रूप से उन्हीं भक्तों के लिए आज का यह उपाय है। प्रिय साथियों, आपने अपनी दुकान का जो शटर है, जी हाँ, जो आपकी दुकान का मेन शटर है या मेन डोर जो है उस पर आपने अभिमंत्रित लाल रंग का धागा जरूर बांधना है। जी हाँ, किसी भी पंडित जी से अभिमंत्रित करा करके लाल रंग का धागा आप लेकर के आ सकते हैं, या अगर आपको अभिमंत्रित धागा चाहिए तो हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने आसपास कोई मंदिर हो जहां पर पंडित जी हो उनसे आप अभिमंत्रित धागा लेकर के आए लाल रंग का और उसे अपनी दुकान के शटर पर या जो मेन डोर है, मेन गेट है, उस पर उस लाल रंग के धागे को मंगलवार के दिन बांधें। ऐसा करने से आपकी दुकान में किसी भी तरह का अगर कोई दोष है, अगर किसी ने कुछ किया है, कराया है, या किसी भी तरह का कोई नजर दोष आपकी दुकान में है, तो इस कार्य को करने से आपकी दुकान, आपका व्यापार हर प्रकार के दोष से मुक्त होगा और बहुत जल्द आपकी दुकान, आपका व्यापार चलने लग जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये मैंने आपको बताई कुछ ऐसी बातें जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो आपकी दुकान में कभी भी ग्राहकों की कमी नहीं होगी। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आज का एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपका दुकान, आपका व्यापार माता रानी की कृपा से अच्छा चलता रहे। जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।